आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। रूपन बारी समाज सेवा एसओ राष्ट्रीय प्रयागराज बारी समाज के प्रथम संगठन अखिल भारत वर्षीय बारी महासभा के प्रथम सभापति स्वयं रामबोध बाबूजी जी की जयंती जन्मदिन 27 अगस्त 1899 के उपलक्ष्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। इसी तरीके से आप सभी का जिस तरीके से नाम है उस तरीके से काम चरित्र रहे, भगवान से ही कामना। ओम सर्वे भ्यो ब्राह्मणी भ्यो नमः। ओम सर्वे भेस्तेच्छे भ्यो नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमावमवरस्तु षोडशोपचार पूजनम देवी देवता। परंपरा लगभग 70 वर्षों से यहाँ हो रहा है। रामबोध बारी जी हुआ करते थे, इस कथा का प्रारंभ उन्होंने शुरू किया था और तब से ये कथा लगभग अनवरत चलती आ रही है। बीच में कुछ कारणों से महामारी बीमारी वगैरह आ गई थी जिसकी वजह से ब्लॉक हो गया था, हम लोगों ने फिर से इसको प्रारंभ कर दिया। मैं रूपन बारी समाज सेवा एसोसिएशन का राष्ट्रीय ऑडिटर हूँ और ये जो कथा सुन रहे हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये प्रताप ये वहाँ फैजाबाद राम जन्मभूमि अयोध्या से आए हुए हैं और मैं प्रतापगढ़ की धरती से आया हूँ और ये हमारे छोटे भाई हैं ये सिद्धार्थ जी, ये प्रयागराज के अध्यक्ष हैं। इस कथा का संपूर्ण संचालन ये आदरणीय सिद्धार्थ जी और ये लोकसभा प्रयाग इलाहाबाद महापालिका के पूर्व मेयर चुनाव में लड़ चुके हैं तो मेयर के प्रत्याशी थे, तो ये इन दोनों के सहयोग से ही हम ये आज लगभग 7-8 महीनों से इसको फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। लगातार महीने के अंतिम संडे को अंतिम रविवार को इस कथा का आयोजन होता है और इलाहाबाद प्रतापगढ़ अयोध्या के बारी बिरादरी के समस्त लोगों को बुलाया जाता है। आज ये जो कथा हो रही है इसमें वहाँ रीवा मध्य प्रदेश से हमारे भाई बंधु आए हुए हैं और अमर पाटन सतना मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, इलाहाबाद से तमाम लोग एकत्रित हुए ही हैं, इलाहाबाद के हमारे भाई लोग एकत्रित हुए हैं। इसके अलावा मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ और जो ये कथा के आज मुख्य जजमान हैं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि पवित्र धरती अयोध्या से आए हुए हैं और भी हमारे तमाम भाई बंधु अभी और पहुँचने वाले हैं और निश्चित रूप से ये जो हो रहा है इसके बाद लोगों का सूत में जलपान भी और भोजन की भी व्यवस्था यही होती है, पूरे भाई बिरादरियों के साथ किया जाता है और सबको हाँ प्रसाद वितरण होता है। इसके बाद हम लोग आपस में बैठ करके शादी विवाह के विषय में भी यहाँ पर मीटिंग करते हैं कि किसकी लड़की की शादी पढ़ी लिखी है, उस सुयोग वर्ग की भी हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो वैवाहिक संबंध है अच्छे परिवार में हो और लड़कियों का जो गरीब घर की खासकर जो गरीब घर की लड़कियां हैं उनके लिए दहेज मुक्त विवाह का हम लोग आह्वान करते हैं। हमारे पास जो पढ़े लिखे लड़के हैं जो लड़कियां हैं उसका भी हम लोग इसमें विचार करके उनका अनुपालन कर किया करते हैं। हाँ, मेरा नाम प्रमोद कुमार रावत है, मैं प्रतापगढ़ पीबी इंटर कॉलेज में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ और पिछले 32 वर्षों से मैं अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे साथ ये तमाम जो सिद्धार्थ जी हैं, प्रदीप जी वगैरह हैं, इन लोगों के सहयोग से ही इलाहाबाद में इस तरह के पवित्र प्रयागराज की पवित्र धरती पर हम लोगों ने इस कथा का आयोजन किया है। निश्चित रूप से ये कथा अनवरत चलती रहेगी, हमारे ही बारी बंधुओं में कोई एक जजमान को हम लोग चुनते हैं और वो महीने के अंतिम रविवार के दिन इस तरह का आयोजन करते हैं, अपना सुख दुख एक दूसरे के प्रति शेयर करते हैं और उनका हम लोग सामाजिक उत्थान के लिए ये कथा निरंतर चल रही है। देखिए, हमारा जो ये कथा का कराने का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये जो हमारी कथा लगभग 1924 के आसपास से प्रारंभ हुई थी, कारणों से रुक
थोड़े कुछ समय के लिए, तो हमने उसको पुनः जीवित करवाया है। साथ में लगातार महीने के अंतिम रविवार को कराया जाता है, और इस कथा का कराने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज का मजबूती और समाज की एकता, और जैसे भाई साहब ने बताया कि शादी विवाह का कार्यक्रम हम लोग उसको भी बहुत निरंतर आगे रखते हैं। और आज के लिए सुबह कितने तक चलेगा? ये लगभग 4 बजे तक चलेगा, और आज उनके जयंती भी है, वजह से हम लोगों के कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया। मैं प्रदीप कुमार वर्मा, मेयर प्रत्याशी, पूर्व मेयर प्रत्याशी इलाहाबाद प्रयागराज। मैं सिद्धार्थ शंकर राव अधिकारी, प्रयागराज जिला अध्यक्ष, मुकुल बारी समाज सेवा एसोसिएशन। हमको जब अध्यक्ष बनाया गया विगत वर्षों से क्या कहते हैं, ये कथा को स्थगित किया था किसी कारणों बस, तो हमने पहला दृढ़ संकल्प लिया कि इस कथा का ध्यान दिया जाए और इसको क्या कहते हैं फिर से किया जाए। प्रयागराज यानी कि कई जिलों के बारी बिरादरी अपना अपना प्रस्ताव रखे, कोई भी दिक्कत, कोई भी समाज के लिए पढ़ाई लिखाई भी किसी का भी कुछ समस्या हो तो उसका हम निवारण करने के लिए हम उसमें अग्रसर।